का जीनियस अकेडमी पीजीटी कोर्स में आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल कराई है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रल भी वैसे ही है जैसे आपकी इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर? आपको बस क्या फर्क है इसमें, लिमिट पुट करनी है आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, और जो डेली वीडियो देखते हैं प्लीज वो लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल से पहले इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई थी, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्लियर? और इंटीग्रेशन का साइन है इंटीग्रेशन। सपोज मान लीजिए इसकी इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? ये था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब डेफिनेट में क्या होगा, लिमिट दी होगी, जैसे यहां लिमिट दी है ए टू बी, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे उसकी तो यहां पे क्या लगेगा, ए टू बी। क्लियर? अब देखिए जो आपकी ए है वो है लोअर लिमिट, ए लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट। क्लियर? एक है लोअर लिमिट और एक है अपर लिमिट। क्लियर? और अगर इंटरवल ए बी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटरवल ए बी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है जैसा अभी तक कर रहे हैं हम लोग, बस आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। क्लियर? तो लिमिट कैसे पुट होगी, अपर लिमिट एक्स की जगह, क्लियर, जो भी फंक्शन है आपके पास, प्लस सी माइनस लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट बी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब देखिए सी और सी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन वैसे ही है जैसे इनडेफिनेट है, बस आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट कर देनी है। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं कि टी पुट कर देते हैं इसी की जगह, तो आपका लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इंटीग्रेट 0 to 1 1/2x-3 dx। क्लियर? अब लिमिट दी है, बाकी वैसे ही है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, तो log x, x आपके पास ये है, देन फर्दर डिफ्रेंशिएशन इसकी 2x की 2, साथ में प्लस सी। क्लियर? बट 0 to 1 लिमिट भी है, तो 0 to 1, तो और बार बार ही सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हटा देते हैं। क्लियर? अब देखिए 1/2 log mod ऑफ 2x-3 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट हाफ बाहर ले लेते हैं। क्लियर? अपर लिमिट 2 into 1-3 -1 मॉड के अंदर माइनस लोअर लिमिट लॉग 2 into 0 0-3। आई होप क्लियर हो गया है, क्या कुछ नहीं किया, यहां पे पहले 1 डाल दिया एक्स की जगह, फिर 0 डाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? तो हाफ लॉग मॉड से बाहर लेके है लॉग 1 और ये भी लॉग 3। अब लॉग m अपॉन n भी कर सकते हैं, बट लॉग 1 क्या होता है आपका, वैसे 0 होता है, क्या बचा माइनस लॉग 3/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इंटीग्रेशन ही करना है, बस लिमिट पुट कर देनी है साथ में। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेट 0 to π/4 टेंजेंट स्क्वायर x साथ में dx। क्लियर? तो ये भी आसान ही है, क्यों टेंजेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं पता है आपको, तो फॉर्मूला लगाइए पहले। टेंजेंट स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x -1,
dx. Clear? 0 to pi by 4 secant square x minus dx alag alag kar dete, 0 to pi by 4 1 dx. Secant square x ki integration tangent x. 0 to pi by 4. Aur x ki 1 ki x. Clear? Dali value tangent upper limit minus lower limit. Clear? Ab usme bhi dali upper limit minus lower limit. Tangent 45 degree 1. Tangent 0 degree 0. Yo get pi by 4. So kya bacha? 1 minus pi by 4 aapka answer. I think easy hai, bas aapko limits put karni. अब एक दो substitution वाला कर लेते हैं कि limit कैसे change होगी. खैर, question है, integrate 0 to pi by 2 cos square x dx. अब मैंने cos square x dx, cos square की integration करवा रखी है. अब देखिए, लेकिन अभी limit put कर रही हूँ तो बता देती हूँ कैसे आपने change करना है. सबसे पहले cos square x का formula क्या होता है? 1 plus cos 2x by 2. 1 by 2 common leke aaiye. 0 to pi by 2. 1 plus cos 2x dx. Ho gaya. Integration kijiye. 1 ki x. Plus iski kitne hogi? Cos ki sin. इंटीग्रेशन sin 2x की अपॉन 2 पॉजिटिव होती है. ठीक है, 0 टू पाई बाय 2. क्लियर? वैल्यू पुट कीजिए. अपर लिमिट पाई बाय 2 प्लस यहां भी पाई बाय 2 से 2 और 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? sin पाई बाय 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0 बाय 2. क्लियर है? अब देखिए, half pi by 2 plus sin pi कितना होता है? 0 degree. अब ये कैसे करना है आपको? याद भी होगा वैसे तो. देखिए, आपको पता है 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360. क्लियर? साइन एंड कॉस, मेरे को एक याद है, साइन और कॉस. 0 होता है यहां पे 0 डिग्री पे और 360 पे. कॉस कितना होता है? 1. इसका रिवर्स 0 माइनस 1. 0 1 180 कितना हो जाएगा? साइन और ये कॉस. क्लियर? नेक्स्ट, ये इसका रिवर्स कर दो, 1 एंड 0. साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है. नीचे साइन एंड कॉस हो गया. अब साइन एंड कॉस पता है तो हर एक वैल्यू आपकी टेबल जो भी ट्रिग्नोमेट्री पता हो जाएगी. कैसे? साइन पाई देखिए, साइन पाई आपको पता है 0 है, डाल दिया मैंने 0 बाय समथिंग 0. क्लियर? माइनस, और ये तो पता ही है साइन 0 कितना होगा, 0 ये वाला. क्लियर? तो ये 0 हो गया उस तरफ, तो कितना आ गया आपका? पाई बाय 4 आपका आंसर. अगर आपको याद नहीं है साइन पाई, टेंजेंट पाई, टेंजेंट पाई बाय 2 तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप इतना भी याद रखेंगे 0 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 आपकी टेंजेंट वैल्यू. टेंजेंट की, जैसे टेंजेंट पाई सपोज याद नहीं है तो टेंजेंट पाई क्या हो जाएगा? साइन पाई कॉस पाई कितना होता है? टेंजेंट पाई. साइन पाई 0, कॉस पाई माइनस 1, 0 बाय अपॉन समथिंग 0, तो टेंजेंट 0 कितना हो गया? 0. वैसे ही टेंजेंट अगर 0 डिग्री देखना है तो कितना हो जाएगा? ये टेंजेंट पाई की वैल्यू निकाली मैंने. क्लियर? 0. और अगर आपको टेंजेंट 0 डिग्री निकालना है तो क्या? साइन 0 बाय कॉस 0, तो cos sin 0 0 है, cos 0 कितना है? 1, तो कितना आ गया ये भी? 0. क्लियर? 0 upon 1 0 and 1 upon 0 undefined. ये भी पता होगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, 0 to π/4 अंडर रूट 1 − sin 2x dx. अब क्या करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है वो डालेंगे, लेकिन 1 की जगह क्या डालेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x. यहाँ पे 1 की जगह पुट कर दिया इतना, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, क्लियर, स्क्वायर और साथ में dx. कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर. कट हो गया, क्लियर. 0 to π/4 इंटीग्रेशन कीजिए, cos x माइनस साइन x, साथ में था dx, cos की इंटीग्रेशन साइन x, और साइन की माइनस cos प्लस हो जाएगा, 0 to π/4. लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पता है कितना है, 45 डिग्री, 1/√2, ये भी 1/√2, 0 cos 0 1, क्लियर. तो कितना हो गया, ये 2√2 हो गया, साथ में मैं रैशनलाइज भी कर रही हूं, माइनस 1, इज दैट क्लियर. तो कितना हो गया, ये 2√2 / √2 √2 माइनस 1, तो आपका है √2 − 1, ये आपका है आंसर. ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा हर बार, चाहे यहाँ प्लस है, प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 sin θ cos थीटा होगा, और 1 की जगह cos के थीटा प्लस sin के थीटा. आई होप क्लियर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं, इंटीग्रेट π/3 to π/4 टेंजेंट x प्लस cot x का होल स्क्वायर, टेंजेंट x प्लस cot x का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, क्लियर. अब देखिए क्या है, बहुत इजी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए, पहले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × ab. अब आपको पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 10th में पढ़ाई है, 1 होती है, ठीक है. अब यहाँ क्या बचेगा, 2, एक 1 इसके साथ ले लो, एक 1 इसके साथ ले लो, क्यों, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला फिर बन रहा है, ये 1 आ गया, ठीक है, बचा कितना, 2. तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 डीएक्स, क्या किया, टेंजेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और जो ये 2 बचा 1 + 1 इधर लिख दिया, क्यों, क्योंकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, साथ में dx, क्लियर, प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका cosec स्क्वायर x, साथ में dx, क्लियर. अब आप क्या कीजिए, अब आप वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेट इसकी कितनी होती है, टेंजेंट x π/3 π/4 प्लस इसकी होती है माइनस में, ठीक है, तो माइनस वहां लिख लेते हैं, माइनस cot x π/3 to π/4. लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट 45 डिग्री, 1, ये कितना हुआ, π/180 / 180/3 60 डिग्री, मतलब टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, ये 1, और ये कितना होता है, −1/√3. अब अगर आपको लर्न नहीं होगा तो मुश्किल है, टेंजेंट 30 से कितना होता है, √3, उतना ही cot, सॉरी 1/√3 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 उतना ही cot 60 होता है, क्लियर, और टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 उतना ही cot 30 होता है, क्लियर. कब करिए सॉल्व, 1 - 1 कट हो गया, तो ये और ये 1 कट हो गया, यहाँ क्या कितना बचा,
माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन बाय रूट थ्री. रूट थ्री रूट थ्री कितना हो गया थ्री माइनस थ्री, ठीक है, प्लस वन रूट थ्री, तो ये आ गया माइनस टू अपॉन रूट थ्री. अब आपको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कीजिए, बाकी आंसर यही होगा. क्लियर है? सेम टू सेम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, बस लास्ट में लिमिट पुट कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे. इंटीग्रेट 2 to 4 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx. अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन मैं कर सकती हूं अगर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, तो बस 2 की जरूरत है मुझे ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. हो गया नीचे वाले की इंटीग्रेशन ऊपर पढ़िए. तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है f ऑफ f डैश x f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c. पढ़ाई की नहीं कि अगर नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी है तो क्या होता है वो log ऑफ f ऑफ x. डायरेक्ट डाल सकते हैं 1/2 log ऑफ f ऑफ x. f ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस 1, और आपको पता है 2 to 4 लिमिट हाफ अपर लिमिट 4 4 16 प्लस 1 17 माइनस लोअर लिमिट 2 2 4 प्लस 1 5 लॉग एम माइनस लॉग एन. लॉग एम अपॉन एन आपका आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, लिमिट कैसे चेंज होती है. देखिए 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 5 डीएक्स. अब इसको कैसे करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 5 काफी बड़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे. 1 माइनस एक्स को अगर टी पुट कर लेती हूँ माइनस डीएक्स क्या हो जाएगा डीटी, मतलब डीएक्स की जगह माइनस डी टी, और 1 माइनस एक्स की जगह टी, बट इस एक्स का क्या होगा यहां से एक्स शिफ्ट कर दीजिए तो 1 माइनस टी एक्स हो जाएगा. ये तीन वैल्यू आपको क्वेश्चन में पुट करनी है, बट लिमिट क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी. कैसे, मैंने क्या पुट किया 1 माइनस एक्स टी पुट किया, एक्स मेरा क्या था 0, तो यहां डालिए अगर x 0 है तो t कितना हो गया 1, और अगर x 1 है फिर से डालिए इधर ही x 1 है तो t कितना हो गया 0, मतलब पहले 0 टू 1 थी अब 1 टू 0 है लिमिट 1 टू 0. क्लियर? डालिए वैल्यूज 1 माइनस टी और ये x t की पावर 5 dt नेगेटिव बाहर. क्लियर? तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 to 0 t raise to power 5 t raise to power 6 dt. तो इंटीग्रेट करेंगे अगर t 6 by 6 minus t 7 by 7 1 to 0. क्लियर? अब माइनस अपर लिमिट 0 माइनस 0 अपर लिमिट डाल रही हूं, अपर लिमिट दोनों में माइनस लोअर लिमिट 1 by 6. क्लियर? तो ये 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7 6 42 7 माइनस 1 7 माइनस 1 बाहर क्या था माइनस माइनस प्लस, तो 1/42 आपका आंसर. क्लियर है? तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन से, बट आपको लिमिट भी ही चेंज करनी है, ध्यान रखिए प्लीज. नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेट 1 to e log x अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है. क्लियर? अब देखिए 1/x या फिर x का इंटीग्रेशन कितना डिफरेंशिएशन सॉरी log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो पुट कीजिए log x को t 1/x dx क्या हो जाएगा dt. ये मिल गया मेरे को ऊपर, ये तो डाल दूंगी एक log x की जगह t 1/x dx की जगह dt. क्लियर? लिमिट चेंज करनी पड़ेगी log
जब x कितना था यहां पुट करनी है, ठीक है, जब x कितना था 1, तो log 1 t की log 1 कितना होता है 0, तो t कितना है 0 पहले, एंड नेक्स्ट x कितना है e, यही पे पुट कीजिए log e t, log e कट हो गया कितना होगा 1, देखिए लिमिट भी चेंज होगी तो 0 टू 1 और t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, क्लियर, 1 बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया ये, इसका आंसर आ गया आपका हाफ, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, इंटीग्रेट 0 टू 1 ex 1 plus e2x dx, यहां भी सेम है, e raise to power x को क्या पुट करूंगी t, अब देखिए अगर e raise, सबसे पहले इसको ठीक कीजिए, ex dx ठीक है, 1 plus ex लिख सकती हूं ऐसे, क्लियर, 1 ex को अगर आप ex को अगर आप t पुट करते हैं तो ex dx क्या हो जाता है dt, क्लियर, एक तो हो गया, नेक्स्ट क्या है, लिमिट चेंज हो जाएगी, x जब 0 है यहां पुट कीजिए e 0 a raise to power 0 1, t कितना आ गया 1, एंड x जब आपका 1 है e raise to power 1 t, तो t कितना आया e, मतलब लिमिट क्या होगी आपकी, x जब आपका 0 था तो t कितना आया 1, x जब आपका 1 था t कितना आया e, ये होगी लिमिट, ex dx क्या है dt 1 plus ये कितना है t बाहर क्या है square, अब आपको फॉर्मूला पता ही है 1 plus x square, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, x आपका t है और ये है 1 to e, क्लियर, लिमिट पुट कीजिए लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स e और टेंजेंट फॉर 1 कितना होता है पाई बाय, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे लिमिट चेंज हो जाएगी अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। नेक्स्ट है, इंटीग्रेट 0 टू 1 बाय रूट 2 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 बाय 2, क्लियर, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे कुछ ऐसा करना है कि फॉर्मूला आपका लग जाए मेरा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर सपोज ट्राई कर लेते हैं कॉस या साइन पुट करके, साइन इनवर्स एक्स को ये वाली चीज थीटा पुट कर लिया, क्लियर, थीटा, तो एक्स क्या हो गया साइन थीटा हो गया कि नहीं, उस तरफ लेगी, डिफरेंशिएशन करो डीएक्स कितना हो गया कॉस थीटा साथ में डी थीटा, मतलब डीएक्स की जगह ये डाल सकती हूं और यहां पे भी साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा डाल सकती हूं, क्लियर, नीचे देखिए, नीचे 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स डाल दूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, अब लिमिट यहां डालना है आपको, पहले थीटा एक्स कितना डालना है 0, डालिए एक्स 0 तो ये हो गया साइन इनवर्स 0, थीटा भी कितना हो गया 0, क्लियर। नेक्स्ट एक्स 1 बाय रूट 2 तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 थीटा कितना होता है 1 बाय रूट 2, साइन 1 बाय रूट 2 कहां होता है 45 डिग्री पे ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 5 बाय 4, देखिए लिमिट चेंज होगी, अब ये लिमिट डालूंगी क्योंकि अंदर थीटा की फॉर्म में है इक्वेशन, 0 टू पाई बाय 4, क्लियर हुआ, साइन इनवर्स थीटा डीएक्स कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस एक्स कितना था साइन स्क्वायर साइन, तो साथ में स्क्वायर है 3 बाय 2, 0 टू पाई बाय 4
थीटा कॉस थीटा डी थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो ये काफी टाइम से करवा रही हूँ, सब पता हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, ये यहाँ बचा कॉस थीटा डी थीटा कॉस थ्री थीटा, एक कट हो गया। नीचे बचा वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वन बाय कॉस थीटा कितना होता है सीकेंट थीटा, तो कितना हो जाएगा वो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है। अब क्या करना है, आइलेट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो आइलेट ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, और ये क्या है एल्जेब्रिक फॉर्म। तो एल्जेब्रिक क्या है, पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है फर्स्ट सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन सेकेंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये है आपका फॉर्मूला। डाले घर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर, एंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा, क्लियर। अभी लिमिट भूल जाओ फिर डालते इंटीग्रेशन एक्स की डिफरेंशिएशन वन इंटीग्रेशन थीटा, ठीक है, थीटा टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट थीटा माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, डाल दीजिए यहाँ पे लॉग ऑफ कॉस थीटा। अब डालिए वैल्यूज लिमिट आपकी जीरो टू पाई बाय फोर और जीरो टू पाई बाय फोर, ठीक है। नहीं पाई बाय फोर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो ही हो जाएगा, यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। ये तो आपको पता है पाई बाय फोर टेंजेंट पाई कितना होता है वन, क्लियर, जीरो हो गया। माइनस ये कितना होता है कॉस पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, और कॉस जीरो वन, कॉस लॉग वन कितना हुआ वन, या फिर फॉर्मूला लगा दो लॉग एम माइनस एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस एन लॉग एम अपॉन, क्लियर है। कुछ भी नहीं किया, सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट चेंज करनी है, देन इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, यहाँ पे क्या लग रहा है बाय पार्ट्स, ठीक है, तो वो अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट जीरो टू पाई बाय फोर पाई बाय टू वन अपॉन फोर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस फाइव कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, क्लियर। अब देखिए अब ऐसे में कैसे इंटीग्रेशन करूं, क्लियर। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, या तो साइन थीटा का फॉर्मूला डालना है और कॉस थीटा का फॉर्मूला डालना है, फिर एलसीएम कर देना है, क्लियर। या फिर एक चीज है कि आप किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए कि ऐसा आ जाए कि जिसके साथ इंटीग्रेशन के सॉरी जिसकी डिफरेंशिएशन साथ साथ में पड़ी हो, क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, देखिए क्या हुआ, फिर वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेकेंट स्क्वायर एक्स, ये वाला, ठीक है, ऊपर चला गया। अब देखिए फोर कितना हुआ टेंजेंट, और ये क्या कट हो गया। अब अगर टेंजेंट एक्स को टी पुट कर देती हूँ उसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास सेकेंट स्क्वायर एक्स है, पढ़िए बस हो गया, यही ध्यान रखना है, क्लियर। तो टेंजेंट एक्स को अगर आपने टी पुट किया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी हो गया, एक काम तो ये। दूसरा लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट डालिए यहाँ पे
x जब आपका 0 है तो tangent 0, तो t कितना हो जाएगा 0. x आपका जब pi by 4 है, pi by 2, t, तो tangent 90 होता है undefined. ये मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, 90 यहाँ 0, 1 या 1, 0, ऐसे था. तो ये sin है और ये क्या है, cos है. तो tangent क्या होगा, क्योंकि 90 चाहिए ना, 90 यहाँ पे होता है, tangent 90 degree, sin by cos, 1 by 0, तो 1 by 0 is undefined. Clear? तो limit change होगी, when x 0, tangent 0, t 0, when x pi by 2, और t undefined. बाकी secant square x dx dt हो गया और ये 4 t square plus 5. अब आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, मुझे क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है. तो फॉर्मूला बनाने के लिए तो मैंने काफी कुछ बताया हुआ है. क्या करना है, सबसे पहले इसको 4 से multiply, 4 से divide, तो ये वाला जो 4 है 1 by 4 बाहर आ जाएगा और 4 by 4 t square और ये 5 by 4 बना कुछ formula, 1 by 4 0 to the infinity t का square plus root 5 by 2 का square. बिना under root का क्या formula था, 1 upon x square plus a square, ठीक है, dx 1 by a tangent inverse x upon a, बाकी नहीं, ठीक है. इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्योंकि जो भी अलजेब्रा है वहां पे मुझे कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए. तो हो गया, डालिए अब 1 by 4 मल्टीप्लाई 1 by a, a है आपका टेंजेंट इनवर्स, x कितना है t, a कितना है आपका 2, क्लियर. और नेक्स्ट आपका 0 to undefined, कितना हो गया ये 1 by 2 root 5 tangent inverse t 2t by root 5 0 to undefined. अब आपको क्या करना है, limit put करनी है, clear? तो limit put करेंगे 1 by 2 root 5, upper limit infinity हो जाएगा और लोअर लिमिट ये क्या हो जाएगा 0. अभी बताया कि टेंजेंट इंफिनिटी कब होता है, जब आपका पाई बाय 2 होता है, और ये कब होता है, जब 0 होगा, मतलब पाई बाय 4 रूट 5 आपका आंसर. क्लियर है, इजी था. तो आपको पहचानना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है. एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, 0 टू पाई बाय 4 पाई बाय 2 1 अपॉन 4 प्लस 9 cos स्क्वायर x, ठीक है, इसको करना है. अब देखिए इसमें भी वही कि cos x की वैल्यू डाल सकते हैं टेंजेंट वाला फॉर्मूला, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला x बाय 2 हो जाएगा. बट अगर मैं cos square x से multiply and divide कर देती हूँ, तो ये 1 upon cos square x हो गया आपका secant square x, 0 to pi by 2, 4 by cos square x, 4 secant square x, plus ये और ये cut हो जाएगा, साथ में 9, और साथ में dx. प्रॉब्लम क्या है कि टेंजेंट x चाहिए, उसके डिफरेंशिएशन secant square x होती है, तो ठीक है, एक को secant square x क्या होता है, 1 plus tangent square x, नीचे वाले को पुट करूंगी, क्यों, ऊपर वाले को नहीं करना है, क्योंकि फिर आंसर नहीं आएगा. ऊपर वाला आप जब टेंजेंट x को t पुट करेंगे, सॉरी, तो डिफरेंशिएशन इतनी हो जाएगी टेंजेंट x की, वो ऊपर पड़ी है, ठीक है. बट सबसे पहले नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, 1 plus tangent square x, secant square x इतना होता है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 plus 4 tangent square x plus 9, 0 to pi by 2 secant square x dx, 4 tangent square x
प्लस 9 प्लस 4 13 हो गया। इसको t पुट कर दिए ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा dt, तो ये होता है dt 4t स्क्वायर प्लस 13। लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां डालिए tangent 0 मतलब x 0 तो t भी कितना हो गया 0, x pi by 4 tangent pi by सॉरी pi by 2, tangent pi by 2 कितना होता है अनडिफाइंड, तो t कितना हुआ अनडिफाइंड मतलब 0 टू इंफिनिटी, लिमिट भी चेंज होगी क्लियर। अब करिए इसकी इंटीग्रेशन, वही है क्या करना है फॉर्मूला बनाना है मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4, तो 1/4 बाहर आ गया 0 टू इंफिनिटी dt, क्योंकि t स्क्वायर अकेला चाहिए कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, बन गया फॉर्मूला x का स्क्वायर 13/2 a का स्क्वायर ठीक है 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो क्या होता है वो 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, लिमिट थी आपकी 0 टू इंफिनिटी क्लियर। डालिए ये हो गया 1/2√13, अपर लिमिट 2 पर ले जाइए चलिए 2t/√13, अब डालिए अपर लिमिट टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी, लोअर लिमिट टेंजेंट इनवर्स 1, क्या होता है इंफिनिटी टेंजेंट इंफिनिटी पाई बाय 2, और ये कितना होता है टेंजेंट 0 0, कितना है आंसर पाई 2 × 4√13 आपका आंसर। तो मैंने कहा डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल की ही तरह है ठीक है, बस आपको लास्ट में लिमिट पुट करनी है। फिर हम करते क्यों है वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है काफी इंटरेस्टिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्लियर। चलिए वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर कीजिए प्लीज, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्लियर। और बाकी आप सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस के आउटब्रेक से जूझ रहा है क्लियर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेट फ्रॉम द अदर्स इफ यू फील अनवेल। थैंक यू वेरी मच।